तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर बाई चैन लीन फैंग को अपना पर्सनल डिसाइपल स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद वह लीन फैंग को स्वॉर्ड स्किल की काफी ज्यादा नॉलेज देते हैं। साथ ही साथ वह लीन फैंग से बोलते हैं कि आज से 15 दिन के बाद स्वॉर्ड सी कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतना है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर पावरफुल बनना होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर बस 15 दिन का टाइम है। जो सुनते ही लीन फैंग बोलता है, मास्टर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जरूर जीतूंगा। और अब वह अपने प्रैक्टिस में लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लीन फैंग पिछले 15 दिनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहा है। वहीं उसने मास्टर बाईचैन की मदद से काफी कुछ सीखा है और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिक्स मार्शल स्वॉर्ड बना सकता है, जिससे उसकी अटैक पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिनिक्स फायर स्वॉर्ड के साथ वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करके एक काफी खतरनाक अटैक बना सकता है। तभी उस जगह पर उड़ता हुआ साउटियान आता है। वहीं वह एक हर्ब खा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट सच में ग्रेट है, और अगर हम यहाँ के रिसोर्सेस का ठीक से इस्तेमाल करें तो हम जल्द ही हेडमास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लीन फैंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब हमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है। और अब वह वहां पर एक जेड की मदद से मिस सुई से बात करने लगता है। मिस सुई उसे बताती है कि आज ही सी ऑफ स्वॉर्ड का दरवाजा इस जगह पर खुलने वाला है, तो क्या लीन फैंग इसके लिए तैयार है? लीन फैंग बोलता है, मैं काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। तभी सिनर बोलती है, क्या वह भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकती है? मिस सुई बोलती है, हाँ क्यों नहीं। यह सुनते ही सिनर खुश हो जाती है। यह देखकर लीन फैंग बोलता है, अच्छी बात है, अब तुम्हें उस जगह पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब दिखाया जाता है कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक जगह पर कॉम्पिटिशन के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल आगे आता हुआ बोलता है, मास्टर आपने अभी तक सी ऑफ स्वॉर्ड का दरवाजा क्यों नहीं खोला है? यह दरवाजा हर 30 साल में एक बार खुलता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ के पोर्टल को क्यों नहीं खोल रहे हो? तभी स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, आखिर तुम सभी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? दूसरे लोगों को भी अभी यहाँ पर आ जाने दो। तभी दूसरे स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, यह बात सच है कि सी ऑफ स्वॉर्ड में जाकर तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, पर वह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम लोगों ने उस जगह पर सावधानी नहीं बरती तो तुम लोगों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसके बाद तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। और तभी उस जगह पर लीन फैंग, सिनर और मिस सुई भी पहुंच जाते हैं। अब उन्हें देखते ही वहां खड़ा कोर डिसाइपल बोलता है, तो हमारे ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल इस जगह पर आ चुके हैं, और लीन फैंग मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह पर मुझसे मेरी कोर डिसाइपल की पोजीशन छीनना चाहते हो, पर आज यहाँ पर सी ऑफ स्वॉर्ड में उतरने के बाद मैं स्वॉर्ड किंग बन जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर होगे। अब यह सुनते ही मिस सुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी लीन फैंग उसे रोक देता है और बोलता है कि हम इस जगह पर सी ऑफ स्वॉर्ड में उतरने के लिए आए हैं, आपस में फाइट करने के लिए नहीं, और जब तक यहाँ पर सिनर ठीक है तब तक मैं इन पर अटैक नहीं करूंगा। अब यह सुनते ही मिस सुई लीन फैंग की तारीफ करते हुए बोलती है, तुम सच में सिनर की काफी ज्यादा केयर करते हो। और अब लीन फैंग सिनर और मिस सुई के साथ जाकर वहां खड़े दोनों स्वॉर्ड मास्टर को ग्रीट करता है। तभी स्वॉर्ड मास्टर सिनर को देखते हुए बोलते हैं, सिनर यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या तुम भी इस जगह के अंदर जाना चाहती हो? सिनर हाँ में जवाब देती है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, तो ठीक है, उस जगह पर अपना ध्यान रखना। और अब वह दोनों स्वॉर्ड मास्टर अपने पास से एक एक जेड निकालते हुए सी ऑफ स्वॉर्ड में जाने का पोर्टल खोल देते हैं, और अब वह सभी लोग काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके होते हैं, जहां चारों ओर स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड होती है। तभी उन लोगों को स्वॉर्ड आइलैंड दिखाई देता है, और एशियन टाइम के हिसाब से जैसे ही कोई पर्सन स्वॉर्ड आइलैंड के ऊपर खड़ा होता है उसे उसकी स्वॉर्ड सोल मिल जाती है,
और अब वह सभी लोग स्वॉर्ड आइलैंड की ओर भागते हैं। तभी स्वॉर्ड आइलैंड के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है। वहीं एक पर्सन बोलता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की। अब लिन फेंग देखता है कि स्वॉर्ड आइलैंड के बीचों बीच एक पर्सन खड़ा होता है जिसकी पावर डिवाइन मार्शल रैलम की होती है, और अब वह पर्सन वहां आसपास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगता है। और अब वह सभी लोग उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, पर कई सारे लोग वहां पर घायल हो जाते हैं, जिसके बाद बचे हुए लोग स्वॉर्ड आइलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। और अब वह स्वॉर्ड आइलैंड के चारों ओर लगे हुए शील्ड को पार करके उसके अंदर जाते हैं। तभी लिन फेंग देखता है कि वह अकेला एक अलग आइलैंड पर आ चुका होता है, जिसे देखकर लिन फेंग समझ जाता है कि यह एक स्पेल फॉर्मेशन है जिसने हम सभी को एक दूसरे से अलग कर दिया है। तभी वह पर्सन लिन फेंग के पीछे आते हुए बोलता है, तुम मेरे बिना इजाजत के इस जगह पर आए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह एक स्वॉर्ड स्लैश से लिन फेंग पर अटैक कर देता है। तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त वह पर्सन लिन फेंग के पीछे आ जाता है। लिन फेंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन चुटकी बजाकर लिन फेंग को स्वॉर्ड आइलैंड से दूर फेंक देता है। अब उस पर्सन की पावर देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह पर्सन डिवाइन मार्शल रैलम के 6th लेवल से भी ऊपर है। अब वह पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिन फेंग बोलता है, मैं लिन फेंग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और अगर आज यहाँ पर मैं तुमसे डरकर भाग गया तो फिर दोबारा कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और अब वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट की पावर का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यह देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लिन फेंग वहां पर सी ऑफ स्वॉर्ड के भी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब वह पर्सन बोलता है, मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर क्या तुम इस जगह पर मेरे स्वॉर्ड का सामना कर सकते हो। अब उस पर्सन की स्वॉर्ड पावर देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है, यह निर्वाणा रैलम से भी ऊपर है। तभी वह पर्सन बोलता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, पर अब काफी देर हो चुकी है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिन फेंग बोलता है, मैं आज तक किसी से भी नहीं डरा, तो इस जगह पर मेरा सामना करो। और अब लिन फेंग और उस पर्सन की स्वॉर्ड वहां पर टकराती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।